कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने खरपतवार नाशक से फसलें नष्ट होने की शिकायतों पर कृषि विभाग को जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद कृषि उपसंचालक एमएल चौहान ने बताया कि वनहेर के किसान पन्नालाल पिता रामलाल बागुल द्वारा मेसर्स नर्मदा ट्रेडर्स नागिरी विकासखंड गोगांव से मेसर्स आदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उत्पादित खरपतवार नाशक साकेट का छिड़काव से सोयाबीन फसल पर किया गया, जिससे फसल नष्ट हो गई। शिकायत के परिपालन में गोगांव के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा मनेर में सोयाबीन की फसल का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जांच में पाया गया कि मेसर्स आदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उत्पादित खरपतवार नाशक साकेट का कीटनाशक दवाई विक्रय की गई, जो निम्न स्तर की प्रतीत होती है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने मेसर्स मां नर्मदा ट्रेडर्स नाग झीरी का कीटनाशी लाइसेंस क्रमांक 4353 को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक निलंबित किया है। किसान पन्नालाल को कीटनाशक विक्रेता मेसर्स आदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। हाँ उद्दीन है उनके पास दिन नहीं मारा। हाँ तो एकाधी बड़ी भी पर एक भी लाई बटी वो एक भी लाई बटी नहीं होगा उधर। हाँ ये लाई नहीं वही लाई नहीं वो हाँ ये मिष्ठान मनेर और भगवानपुरा क्षेत्र के कुछ किसानों द्वारा शिकायत आई थी कि उनके सोयाबीन में अडामा कंपनी का जो है साकेत नाम का वीडिसाइड स्प्रे करके किया था किसानों ने, तो उससे उनकी फसल खराब हो गई। हमने उनका निरीक्षण करवाया है, जांच दल रेगुलर 2 दिन तक गया है और उसके आधार पर ये माना जा सकता है कि लगभग 70 एकड़ जमीन में जो है सोयाबीन खराब हुआ है, उस पर कार्रवाई चल रही है। और जो संबंधित दवा विक्रेता था माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से था, उसका हमने लाइसेंस निलंबित किया है और अडामा कंपनी है जिसकी दवाई थी उस पर FIR करने की कार्रवाई की जा रही है। सर किसान मुआवजे की मांग कर रहा था कि हमारा कुछ नुकसान हुआ इसका मुआवजा मिले, किस तरह से दवा कंपनी को कार्रवाई नहीं कंपनी पे मुआवजा तो हम नहीं दिलवाते हैं, लेकिन कंपनी पे जो विधि विधान से कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। और उसके लिए किसानों को हमारे जितने भी जांच के निरीक्षण के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको उपलब्ध करवाएंगे, वो आगे जाए और अपनी कार्रवाई संपन्न करें।